इसी गृहस्थी में आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत की पूजा की थाली में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा करके सुहागन महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र की कामनाएं करती हैं। वट सावित्री का व्रत साल 2022 में 30 मई को सोमवार के दिन होगा। इस दिन शनि जयंती और सोमवती अमावस्या भी है। वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी और सोमवती अमावस्या के व्रत का फल भी प्राप्त होगा। वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। यह व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह ही फलदायी होता है। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके दो टोकरी में पूजा का सामान लेकर बरगद के पेड़ के पास जाकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसे जल अर्पित करती हैं, रोली चंदन लगाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। कच्चा सूत बांधकर बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं पूजा का सामान पहले ही व्यवस्थित करके थाली में सजा लें। थाली में रखने वाला कुछ विशेष सामान इस प्रकार से हैं: सावित्री और सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल रंग का कलावा, बरगद का फल, धूप, मिट्टी का दीपक, फल, फूल, पताशे, रोली, 1.25 मीटर का कपड़ा, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहाग का सामान, घर से बनी हुई पूड़ियाँ, भीगा हुआ चना, मिठाई, घर में बना हुआ कोई भी पकवान, जल से भरा हुआ कलश, मूंगफली के दाने और मखाने का लावा। वट सावित्री व्रत की पूजा में ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। यह सारे सामान की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिलेगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की व्रत और त्यौहार से जुड़ी हुई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।